एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बरेली के ब्लॉक बहेड़ी में स्थित गरीबपुरा गांव पड़ा। लगभग 3500 की आबादी वाला यह गांव जनपद मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक परिसर से 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। लगभग 1600 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसित है। वर्तमान में गाँव की प्रधान संतोष भारती है जो गाँव को विकास के पथ पर अग्रसित कर रही है। वर्तमान समय में गाँव में 300 राशन कार्ड धारक है। इसी के साथ गाँव में 15 विधवा पेंशन, 12 वृद्धा पेंशन, 12 विकलांग पेंशन लाभार्थी मौजूद हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के जूनियर एवं प्राइमरी पाठशाला में लगभग 54 बच्चे अध्ययनरत हैं। इसी के साथ ही गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए वर्तमान प्रधान ने गांव में 20 हैंडपंप लगवाए हैं तथा विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 25 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 100 स्ट्रीट लाइटें भी गाँव में लगवाई गयी है। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गाँव में 3 खडंजे, 2 सीसी टाइल्स रोड, पानी निकासी के लिए नाली व 2 बड़े नाले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 आवास, बस स्वच्छ भारत मिशन के तहत 190 शौचालयों का भी निर्माण कराया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत घर, बारात घर, शमशान घाट, स्वास्थ्य केंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 50 शौचालय, 7 सीसी टाइल्स रोड व 3 खडंजे के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान हूँ, मेरा नाम संतोष भारती नाम है मेरा। मेरे गरीबपुरा में मेरा गरीबपुरा देवी नवादा है। मेरा गांव गरीबपुरा है और मेरा मजरा एक देवी नवादा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय योगी जी से कहना चाहती हूँ कि मेरे गांव में अभी तक 2016 से अब तक मेरे गांव में 6 आवास बने हैं और 150 शौचालय बने हैं और मेरे गांव में 3 मात्र भी खरंजे पड़े हैं जिसमें 1 सीसी करवाई है मैंने और दूसरी सीसी में मेरा काम चल रहा है। एक मैंने 200 मीटर का नाला बनवाया है, एक मैंने 75 मीटर का नाला बनवाया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मेरे गांव में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, मेरे गांव में बारात घर नहीं है, मेरे गांव में स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, मेरे गांव में आंगनबाड़ी की दिक्कत बहुत हो रही है जिसमें सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चे बैठते हैं उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं चाहती हूँ माननीय जी से, मुख्यमंत्री जी से कि मुझे ये ज़रूर प्राप्त कराएँ। और मेरे गाँव में 150 शौचालय बन गए हैं, बाकी मेरे गाँव शौच मुक्त हो चुका है गरीबपुरा और देवी नवादा। मुझे 60-70 शौचालयों की और ज़रूरत है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, माननीय सरकार से कहना चाहती हूँ कि मुझे 25 आवासों की और अभी ज़रूरत है। एक और मेरे गांव में नदी कटान कर रही है कि खेत बहुत काट चुकी है जिसमें मेरे गांव में एक पिचिन बनाने की सख्त ज़रूरी है। गरीबपुरा में और देवी नवादा में एक गऊ घाट बनाने की बहुत ज़रूरत है। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि मेरा गाँव शौच मुक्त हो गया है और उसके लिए गंदकाई गांव में जो इधर उधर पड़ी है उसके लिए मुझे सीसी कराना बहुत ज़रूरी है। गांव में सीसी 5 सीसी मेरी बहुत ज़रूरी है जिसमें 1 सीसी मेरी 200 मीटर की है, 1 मेरी 500 मीटर की है, 1 मेरी 1000 मीटर की सीसी है जिसमें गरीबपुरा से और देवी नवादा में 2 किलोमीटर का फ़र्क है। पैदल आने जाने में दिक्कत होती है सवारी वालों को, पैदल जाते हैं धूल उड़ती है, मिट्टी गिरती है, मुंह पे गंदकाई होती है कि मैं चाहती हूँ कि माननीय मिट्टी निर्माण और सीसी कार्य उस पर होना चाहिए कि मात्र अभी 3500 रुपये हैं। अखिलेश हमारी सरकार ने पहले 1000 बढ़ाए थे और मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि हम प्रधानों के कम से कम 10000 रुपये सैलरी होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री रहने वाला हूँ, महावीर मेरा नाम है, संतोष भारती हमारे यहाँ प्रधान हैं। यहाँ मौजूदी हालत पे काम बहुत बढ़िया करवा रही हैं, कम में कम इतने विकास करवा दिए गांव में, सरकारी कमरा वगैरह हैं, रोड सीसी रोड बन रहे हैं, देवी नवादा गरीबपुरा में एक हमारे भमसेन से लेकर वहाँ तक बिल्कुल बहुत बढ़िया गंदगी रहती थी वो पूरी सफाई करवा दी।